नमस्कार दोस्तों, THK टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैंक का ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो मेरे पास एक सवाल है, हेमेंद्र ने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, 6 महीने बाद वह सारे रुपये बैंक से निकालना चाहता है, तो उसे ब्याज सहित कुल कितने रुपये मिलेंगे? तो यहाँ पे जो बैंक की ब्याज है वो दोस्तों 3% वार्षिक है, क्योंकि बैंक हमेशा ब्याज एनुअली देता है। तो इसका जो फॉर्मूला है हल करने के लिए वो लगेगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बराबर ब्याज बराबर कितना है मूलधन हमारा दोस्तों, यहाँ पे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये गुणा समय, समय का क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 महीने है, तो इस 6 महीने को हम वर्ष में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 महीने को हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। यहाँ पे 9 महीने भी होते आपके, तो 9/12 हो जाता, तो 6 × 6 = 6, 6 × 12, तो हमारा समय जो निकल के आया वो 1/2 यानी आधा वर्ष निकल के आया। तो हम यहाँ पे इसे पुट कर देंगे 1/2 गुणा दोस्तों, अब हमारा दर, दर कितनी है दोस्तों हमारी 3%, तो यहाँ पे × 3, और बाकी का हमारा यहाँ पे आ जाएगा ÷100, यानी जो फॉर्मूले में है। अब इसे हम दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे 2 से ये 100 कट जाएगा, 50 आ जाएगा यहाँ पे, 50 × 100। तो अब हमारा वैल्यू कितनी बची दोस्तों, 50 × यहाँ 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे हम सीधा 3 लिख लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 50 × 3। तो जो हमारी ब्याज निकल के आएगी तो ये हो जाएगी 150 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना था दोस्तों, 10,000 रुपये। तो हम 10,000, तो हमारा मूलधन हो गया 150 रुपये, ब्याज हो गई, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, 10,150। यानी 10,000 रुपये को हम बैंक में 6 महीने के लिए जमा करेंगे तो बैंक 3% की ब्याज देगा, तो हमारी जो 6 महीने बाद राशि हम निकालेंगे तो वो हमें टोटल मिलेगी 10,150 रुपये। तो दोस्तों ऐसे ही बैंक की ब्याज कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं तो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।